राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में एक नया विश्वास जगाया है। उन्होंने किसानों की जो मेहनत है उस पर बात की, उनकी आमदनी बढ़ रही है उस पर बात की, गांवों की खुशहाली की बात की, कोरोना महामारी अभी गई नहीं है, लोगों को वैक्सीन लगवाना है इसकी हिदायत भी दी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान सरकार जिस तरीके से चुनौतियों से निपटी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो दिक्कतें आ रही हैं उससे सरकार जिस तरह से निपट रही है उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। ओलंपिक दल ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक खेलों में उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। और क्या कहा है राष्ट्रपति ने आज अपने संबोधन में, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे अफगानिस्तान के हालात की, वहां तालिबान का जो कब्जा है वो किस तरह से और बढ़ता जा रहा है क्रूरता के साथ, इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की, जिन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्या कहा है उन्होंने ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की, आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजरों ने BSF के जो हमारे जवान हैं उनको मिठाई दी है, क्या कहा है ये आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे किसानों की, 15 अगस्त को किसान तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, आज ट्रैक्टरों की परेड की गई, रिहर्सल इसको नाम दिया गया, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। आइए आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के संबोधन से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन के माध्यम से देश में नया विश्वास जगाया है। सदी की सबसे बड़ी महामारी की चुनौती से निपटने की बात हो, दुनिया भर में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने की बात हो, ओलंपिक खेलों में भारत के सुधरे प्रदर्शन की बात हो, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रही तेजी की बात हो, चाहे कृषि क्षेत्र की ओर से किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन की बात हो, सभी क्षेत्रों में कार्योत्पादकता को राष्ट्रपति ने सराहा है। कश्मीर में नए सवेरे का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती बनाए रखने के लिए सभी से एकजुटता बनाए रखने का भी आग्रह किया। इस महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है। सरकार उन मजदूरों और उद्यमियों की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील रही है जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी जरूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक वर्ष की अवधि में ही 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परोख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। मूलतः भारत गांव में ही बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, अतः संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद, संवाद और निर्णय करने का सर्वोच्च मंच हमें उपलब्ध है। यह सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है। यह भवन हमारी रीति और नीति को अभिव्यक्त करेगा।
इसमें हमारी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा और साथ ही समकालीन विश्व के साथ कदम मिलाकर चलने की कुशलता का प्रदर्शन भी होगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस नए भवन के उद्घाटन को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु माना जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूँ। दूसरी ओर तालिबान ने शनिवार तड़के काबुल के दक्षिण में स्थित एक और प्रांत पर कब्जा कर लिया और देश के उत्तर में स्थित अहम शहर मजारे शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह वापसी में 3 सप्ताह से भी कम समय शेष बचा है और ऐसे में तालिबान ने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इसके कारण यह आशंका बढ़ गई है कि तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है या देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तरी बल्क प्रांत में प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता मुनीर अहमद फरहाद ने बताया कि तालिबान ने शनिवार तड़के मजारे शरीफ पर कई दिशाओं से हमला किया। इसके कारण इसके बाहरी इलाकों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि वह 20 वर्षों की उपलब्धियों को बेकार नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान के हमले के बीच विचार विमर्श जारी है। उन्होंने शनिवार को टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। हाल के दिनों में तालिबान द्वारा प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा जमाए जाने के बाद से अफगानी राष्ट्रपति की यह पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। उन्होंने कहा, हमने सरकार के अनुभवी नेताओं, समुदाय के विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधियों और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। उन्होंने विस्तार से जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा जल्द ही आपको इसके परिणाम के बारे में बताया जाएगा। अशरफ गनी मजारे शरीफ को बचाने की कोशिशों के तहत बुधवार को शहर गए थे और उन्होंने हजारों लड़ाकों की कमान संभालने वाले अब्दुल राशिद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर समेत सरकार से संबद्ध कई मिलिशिया कमांडरों के साथ बैठक की थी। ये मिलिशिया कमांडर सरकार की ओर हैं, लेकिन अफगानिस्तान में पहले हुई लड़ाइयों में छत्रपों को अपने बचाव के लिए पाला बदलने के लिए जाना जाता रहा है। एक पूर्व शक्तिशाली छत्रप इस्माइल खान ने हेरात को बचाने की कोशिश की थी। तालिबान ने 2 हफ्ते तक चली भीषण लड़ाई के बाद पश्चिमी शहर पर कब्जे के दौरान इस्माइल को पकड़ लिया था। दूसरी ओर अपनी सुरक्षा को लेकर मजारे शरीफ के निवासी चिंतित हैं। एक निवासी ने कहा, शहर के भीतर और बाहर हालात खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। तालिबान ने देश के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों हेरात और कंधार समेत कई स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया है। देश के 34 में से 18 प्रांतों पर उसका कब्जा है। तालिबान के तेजी से आगे बढ़ने के कारण पश्चिम समर्थित सरकार का नियंत्रण काबुल और मजारे शरीफ के साथ साथ केवल मध्य और पूर्व में स्थित प्रांतों पर शेष रह गया है। विदेशी बलों की वापसी और वर्षों में अमेरिका से मिली सैकड़ों अरब डॉलर की मदद के बावजूद अफगानिस्तान से बलों के पीछे हटने के कारण यह आशंका बढ़ गई है कि तालिबान फिर से देश पर कब्जा कर सकता है या देश में गुटों के बीच संघर्ष चालू हो सकता है, जैसा कि 1989 में सोवियत रूस के जाने के बाद हुआ था। इस बीच तालिबान ने शनिवार को कंधार में एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक अज्ञात तालिबान ने शहर के मुख्य रेडियो स्टेशन को कब्जे में लेने की घोषणा की। रेडियो का नाम बदलकर वॉइस ऑफ शरिया कर दिया गया है। उसने कहा कि सभी कर्मचारी यहां मौजूद हैं, वे समाचार प्रसारित करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे और कुरान की आयतें पढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि स्टेशन पर अब संगीत नहीं बजाया जाएगा। तालिबान कई वर्षों से मोबाइल रेडियो स्टेशन संचालित करता आ रहा है, लेकिन प्रमुख शहर में उसका रेडियो स्टेशन पहले कभी नहीं रहा। वह वॉइस ऑफ शरिया नाम का स्टेशन चलाता था जिसमें संगीत पर पाबंदी थी। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में रहने वाले अफगान रिफ्यूजी अपने देश के हालात पर क्या कह रहे हैं। हम सुनते थे कि अफगानिस्तान कुछ मेजर सिटीज सुरक्षित है, अभी वो भी नहीं है। 2 या 3 ही बचे हैं, बाकी सारा का सारा तालिबान ले लिया। तालिबान नहीं, पाकिस्तान ही बोल दीजिए। अगर आपकी हालत, आपकी इंडिया की हालत होती, अगर आप अफगानिस्तान में होते तो आपको दुख नहीं होता। पूरा जो अफगानिस्तान है वो अभी
नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ साइड में नेट के फाइबर नेट का भी टावर उड़ा दिया है उन लोगों ने, और वो लोग बेचारे बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं वहाँ से। सो कमी हम उन लोगों से बात करते हैं, और बिजली के भी आगे से प्रॉब्लम है, पानी और ये सब का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। सो वहाँ के हालात यो समझ लीजिए कि नेक्स्ट सीरिया बनने वाला। मैं दिसंबर 2015 में आया था सर, वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं था, तो हम बाकी वहाँ से आ गए। तालिबान लोगों को वार्निंग दे रही थी, क्योंकि हमने अमेरिकन कंपनी के साथ भी जॉब किया है वहाँ पे। अगर उनको पता चला कि हम वहाँ पे अमेरिकन के साथ काम किया है, तो उन लोगों हमको मार देती है, इसलिए हम वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए। तालिबान चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, और तालिबान ये जानना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले ले। दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पाकिस्तानी रेंजर्स ने शनिवार को अटारी वाघा सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को मिठाई भेंट की। इस दौरान दोनों ओर के सुरक्षा कर्मियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। BSF कर्मी रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक भारतीय मिठाइयां अपने पाकिस्तानी समकक्षों को भेंट करेंगे। सुरक्षा बल की परंपराओं के अनुरूप देश के ऐतिहासिक मौकों के ऊपर सरहद की रक्षा करने वाले सैनिक एक दूसरे को सम्मान मिठाई भेंट करते हैं। ये इवेंट्स सरहदों के ऊपर शांति और सद्भाव कायम रखने में अहम योगदान देते हैं। इसी कड़ी में आज पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल को ये मिठाई अटारी बॉर्डर पे भेंट की है। उधर हरियाणा में 15 अगस्त को निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा से पहले किसानों ने ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अभ्यास किया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टरों पर तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाया। बैलगाड़ी लेकर भी महिलाओं की टीम इस अभ्यास में पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा की जो तैयारी है उसको लेकर आज हमने फाइनल रिहर्सल यहाँ उचाणा मंडी के अंदर की है, क्योंकि हमारी जबरदस्ती तैयारी है 15 अगस्त को लेकर, जिसमें 5,000 किसानों के छोटे बड़े व्हीकल, जिसमें गाड़ियाँ भी, साइकिल भी, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी, बैल बुग्गी भी और ऑटो रिक्शा भी और JBC भी, सब कुछ जितने किसानों के पास साधन है सब शामिल होंगे। 5,000 के करीब साधन होंगे और कम से कम 20-25,000 महिला और किसान इस यात्रा में शामिल होंगे। ये मकसद हमने किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, ऑटो रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, रेहड़ी लगाने वाले, आड़ती मजदूर सभी को एकता का परिचय देने के लिए इस यात्रा को काटे और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस यात्रा को, ताकि सरकार को पता चले कि जन जन जाग चुका है, सब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब एक हो चुके हैं और इन काले कानूनों के खिलाफ है, और ये हमारा आंदोलन जब लग जारी रहेगा। जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पर हमें गारंटी नहीं मिलती। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।